Only Live, a platform to sharing your thoughts. आप पहली महिला एयर मार्शल यहाँ पर रही हैं, तो किस तरह का, क्योंकि इसके बाद महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं, पहले दरवाजे बंद थे सेना में महिलाओं के लिए, लेकिन अब महिलाएं आगे आ रही हैं, क्या कहेंगे इस मूव को? ये बड़ी अच्छी मूव है, बहुत पहले हो जाना था। 50% पॉपुलेशन आदमी है, 50% महिला है। आप क्या 50 को चुपचाप घर में बैठे रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? सब लोग मिलके तो होगा विकास, तो साथी हाथ बढ़ाना, साथी नहीं हाथ बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। हमें ये भी खुशी है कि हम पहले की बात नहीं है, हम लोग में बहुत कुछ सहा, ये जो रोड आज बनी है उसके लिए बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, पर आज अच्छा हो रहा है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, और अब जब वो इस तरह से, क्योंकि एयर फोर्स में पायलट और इस तरह की बड़ी जिम्मेदारियां महिलाएं निभा रही हैं, तो बड़े चैलेंजेस भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है। आई थिंक महिलाएँ बहुत बड़ा जादूगर हैं, वो एक कप में चाय बनाएंगे, एक कप में बच्चों को होमवर्क कराते हैं, तीसरा कप में और कुछ करते हैं जो आदमी लोग बहुत अच्छी तरह कर नहीं पाते हैं। शायद हम लोग इसी वजह से ज़्यादा कम कर सकते हैं। वेल, मैं अपने ही बता सकती हूँ, हमारा सपोज्ड टू बी लव मैरिज है, हमारे सास ससुरी हमारे साथ थे, दो देवर थे, वो भी पढ़ रहे थे, सब मिलजुल के रहे। हमें तो पहले कुछ भी नहीं आता था, मैंने बंगाली कस्टम्स, हम साउथ इंडियन के हैं तो प्याज भी नहीं खाते थे, प्याज काटना, मच्छी काटना सब कुछ सीखा, बोली सीखा, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह हुआ। यस, देर आर सर्टन अकेशंस जब औरतों को प्रॉब्लम होती है, ये 24 घंटा नहीं, 365 दिन नहीं, बट कुछ कुछ समय स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, और किसी लेडीज़ को ज़्यादा भी होती है, बट ये सब लोग समझते हैं। आप औरत ना होने के कारण नहीं समझेंगे कि आपका वाइफ है, आपका भी बहने हैं, सब लोग समझते हैं, तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब ये हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाता है। उस समय में उनको थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें चाहिए, अदरवाइज दे आर एज इक्वल और इवन एट टाइम्स बेटर देन मेन आल्सो। आर्मी में एक डिबेट है, एक कंट्रोवर्सी भी है कि जो फ्रंट पर कई बार वॉर के टाइम पर अगर हम फ्रंट पर और महिलाओं को वहाँ भेजते हैं और कहीं किसी तरह से अगर दुश्मन के कब्जे में कि इस तरह से कुछ हो तो ये इसके ऊपर एक विवाद है, तो ऐसी स्थिति में क्या फ्रंट पर भेजा जा सकता है ऐसे मोर्चे पर? देखिए, ये सब मन की बात है, माइंड सेट है। मुझे पूछेगा तो आज भी हमारा माइंड सेट बदला नहीं है, और कुछ समय लगेगा, बट एक दिन ये होगा, आज नहीं तो कल में तो परसों, 10 साल में भी टाइम, इट विल कम। बट फॉर दैट द पीपल शुड बी रेडी, द वीमन शुड बी रेडी। कई बार लेडीज सोचते हैं हाँ हम फौज में आ गया, वो चमकता है, ड्रेस चमकता है, सैल्यूट करने में बड़ा मज़ा आता है, दैट्स नॉट फौज। फौज इज समथिंग मच मोर। टफ टाइम्स हैं, घर भी नहीं मिलता है, हम लोग तो जंगल में रहते हैं, यू हैव टू बी यूज्ड टू इट। वो सोचते हैं कि दिल्ली पंजाब क्या, दिल्ली बैंगलोर चंडीगढ़ पोस्टिंग, ना 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 ना, इट इज़ ऑल ओवर इंडिया, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट। ओके, मोर देन द ऑफिसर्स, द फैमिली, द पीपल, द इंडियंस मस्ट अंडरस्टैंड एंड चेंज द माइंड सेट। जब वो दिन आएगा, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, बट आज का दिन पूछोगे अब थोड़ा मुश्किल है, माइंडसेट चेंज होना। हमारे टाइम में वर्किंग वीमेन का कोई शादी नहीं करता था, आजकल सभी लोग वर्किंग वीमेन मांगते हैं, बदला कि नहीं? ऐसे वो भी बदलेगा, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल हैपन। ये आज नहीं, कल होगा, जरूर होगा, होना भी चाहिए, सब कुछ मिलजुल के काम होगा तो अच्छा होता है काम। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। आप मानते हैं इंडियन आर्मी कैसे भी हालात हैं, अभी टेक्नोलॉजी और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे किसी भी हालात को झेलने के लिए सक्षम है? इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस का, माफ़ी मैं भी उसी के हूँ, मुझे बहुत गर्व है। आई थिंक वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट होंगे, इफ़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। कोई भी चीज़ को सक्षम हम कर सकते हैं, कोई भी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड लेवल पे हैं।
हाँ कुछ कुछ कमियां हैं, हर एक में कमियां हैं, हमारा टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ कमियां हैं, पर वो सब भी दूर हो रहे हैं। बट जो जोश हमारे फौज में है, आई थिंक नोवेयर एल्स यू विल फाइंड इट, इट्स फैंटास्टिक टू से द लीस्ट, रियली गुड। ये नियोकॉन 2019 के बारे में लास्ट आपसे यही सवाल कि अभी भी देश में जो बच्चों की मृत्यु दर है, न्यू बॉर्न बेबीज की जो डेथ रेट है, वो अभी भी चिंताजनक है, खासतौर से रूरल एरियाज़ में या कस्बाई जो एरिया हैं उनमें। तो क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को भी, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, इनको सबको मिल के एक प्रयास करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कियों को इतना जल्दी शादी नहीं करानी चाहिए, और 5-6 डज़न बच्चे लड़का नहीं हुआ तो ये क्या तरीका है? वो क्या मशीन है? उसके बच्चे इतने से होते हैं, फिर वही तो नियोनेटोलॉजी, न्यूबॉर्न के तो प्रॉब्लम आते हैं। ये हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? सब लोग डॉक्टरों को ब्लेम कर देते हैं और उसको जूता भी मारा जाता है, ये क्या तकलीफ़ है? बच्चे, माँ अच्छी रहेगी तो बच्चे अच्छे बनेगा। अब माँ को तो बेचारी सूखा सड़ा खिलाते हो जब 4 लड़कियाँ हो जाते हैं, वो ये भी नहीं बोल सकती वो अपना बच्ची है, नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं है बोलती है। अरे कितना बच्चा हुआ, वो तो लड़कियाँ हैं, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस आंसर? दिस इज़ व्हाट इज़ अवर इंडिया, एवरीवेयर इट्स द सेम स्टोरी, ओके? एंड आई एम टेरिबली अगेंस्ट इट, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। तो इसको हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए। औरतों को अच्छा देखभाल करिए, उनको अच्छा खाना दीजिए। द मिनट दैट इज़ डन, यू विल नॉट हैव लो बर्थ वेट। ये न्यूनेटोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जरूरत होगी, व्हाट आई मीन इज, जब माँ अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे, देन देयर इज द प्रॉब्लम। पर अभी हमारा प्रॉब्लम, माँ को ये भी नहीं पता लगता कि हम मैंने अच्छे नहीं तो बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे। दे शुड बी हेल्दी, अच्छे का मतलब हेल्दी, तभी तो अच्छे बच्चे होंगे। ये पहले हमें उसको अटैक करना चाहिए, माँ को ठीक करना है, उसके बाद जब बच्चा होगा उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना, ये दोनों करने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। इट इज़ कमिंग डाउन, पहले 52 था, नाउ इट इज़ अबाउट 24 or 26, आई एम नॉट श्योर, 18 है वर्ल्ड लेवल, हमें वहाँ तक आना है। हम उससे भी कम आएंगे, नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी होपफुल। थैंक यू मैडम। तो ये डॉक्टर बंदोपाध्याय, इन्होंने आज कई गंभीर मुद्दों पर हमसे बातचीत की। इनका कहना है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए और उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए माँ और परिवार को जागरूक होना जरूरी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है। सिटी लाइव के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।